अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक खैरियत से? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, घर पे सेफ होंगे। तो आज हम लोग बेसिकली ये वाला जो भाई हमारे सलमान खान जो हैं बैठे हुए हैं, वो ड्राइव कर रहे हैं। मसलन मौसम भाई, बहुत आपकी मसलन बॉडी नज़र आ रही है मुझे, क्या बात है। बेसिकली ये टी शर्ट का काम तो बेसिकली आज मैं जो हूँ इनके साथ जा रहा हूँ एक ड्राइव पे, और जो उस ड्राइव का बेसिक मकसद है, बेसिक प्लान है, वो ये है कि जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनके दरमियान हम लोग, मतलब ये जो भाई हैं, इन्होंने कुछ डोनेशंस कलेक्ट की हैं मेरा ख्याल है, और उनके दरमियान जो है इन्होंने वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। बेसिकली मैं थोड़ा इसमें एलैबोरेट जी, बेसिकली ये मैं एक्ट ऑफ काइंडनेस पाकिस्तान सियालकोट चैप्टर का मेम्बर हूँ, और ये माशाल्लाह मिस जैनब के अंडर है सियालकोट में, और माशाल्लाह सियालकोट में अभी एक्ट ऑफ काइंडनेस ने ड्यूरिंग रमज़ान 3 राशन ड्राइव की हैं, और जिनमें से 2 हो चुकी हैं, एक इंशाल्लाह नियर 2-3 डेज में होनी है। तो जो माशाल्लाह ऑलमोस्ट 200 फैमिलीज़ को उन्होंने कवर किया, और जिसमें हमने सब ने पार्टिसिपेट भी किया। आज बेसिकली ट्रांसजेंडर के लिए ना हम ईदी बेसिकली उनको देना चाह रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली लॉकडाउन है और इनकम सोर्स नहीं था। तो लास्ट ईयर भी माशाल्लाह एक्ट ऑफ काइंडनेस ने काफ़ी ज़्यादा डोनेशन दी थी इनको, और इस साल भी एज अ ईदी के तौर पे हम माशाल्लाह ऑलमोस्ट 140 ट्रांसजेंडर्स को ये ईदी पैक दे रहे हैं, और ये ईच इंडिविजुअल 500 ईदी है जो कि इसमें जो है आएगी, और जो कि इस वक्त मेरी लैप में पड़ी है, और खुद ये गाड़ी चला रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि भाई मैं जो हूँ इनको एनवलप के अंदर पैक करूँ। और जहाँ हम किधर हैं वैसे, बेसिकली ये एक इनके गुरु हैं, उनका उनके डेरे उनका ऑलमोस्ट फ्लैट है उधर, ये तमाम सब उनके बेसिक उनको चेला कहते हैं, तो उनके गुरु हैं हेड, उनके अंडर उनके चेले आते हैं। ठीक है, तो अब हम गुरु के फ्लैट पे जा रहे हैं, और वो नज़दीक ही है, और उधर उनके तमाम चेले आ चुके हुए हैं, तो इंशाल्लाह हम उधर जाके। तो जी अभी मौसम साहब ने मुझे जो है वो लगा दी है इस काम पे। हाँ जी, असल में बात यह है कि मौसम को ना बेसिकली चेंज नहीं मिल रहा था, तो कल भी इन्होंने मेरे से चेंज लिया, फिर रात को पता नहीं मेरी इनसे 1 बजे बात हुई है, फिर 2 बजे बात हुई है, तो तब मैं तुम बाहर क्या कर रहे हो, कहते मैं बाहर ना वो फ्यूल पम्प पे चेंज जमा कर रहा हूँ। अच्छा वैसे यार तेरे और कोई काम नहीं है, फिर भी जमा नहीं हुआ, फिर भी अब आके जाना, वो अभी भी 5,000 रहता है इनका जाना वो चेंज होने का। बेसिकली ऑब्वियसली बैंक टाइमिंग जो है वो 1 बजे तक थी, और मेरी टाइमिंग 3 बजे उठने की होती है, इस वजह से ना बैंक से मिल नहीं सके। सही सही सही, फिर ऑब्वियसली जब आप ना वक्त से भी काम कर सकते फिर इसी तरह वो वक्त के बाद ही करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसी बात है, तो ये है कि लॉकडाउन फिर से लग चुका है। ईद तक शॉपिंग की है कोई ईद की आपने कि नहीं की? वही बात है ना कि दूर के ढोल सुहाने, कि जिनके पास चीज़ होती है वो कहते हैं जी जब टाइम आएगा तो देखी जाएगी, तो जब टाइम आता है वो वैसे सब कुछ बंद हो जाता है। बेसिकली एक बात शेयर करना चाहूँगा कि एक आई थिंक आप लाइफ के इस स्टेज में या इस फेज में है क्या, हमारे लिए चीज़ें इतना नहीं है, बचपन में बड़ी इसमें खुशी होती थी और बड़े हम एक्साइटेड। नहीं, उसकी वजह एक और भी ये है कि असल में बचपन में जो नई चीज़ें होती थी, नए कपड़े होते थे, उनके पैसे में मम्मी और पापा देते थे। बिल्कुल, अब क्योंकि हमने खुद पे करना था, हम कहते हैं कि करना है यार, छठ परे खा लवाएंगे कुछ, बिल्कुल या किसी ने खिला दवाएंगे। कहा ये है कि जो नोट्स हैं उनको आप तब काउंट करते हुए या टच करने के बाद अपने वो जो लोग हैं वो काउंट करते हैं, थूक लगा लगा के वो वाला काम ना करें, और जब आप नोट को टच कर लें तो हाई क्लीन का सैनिटाइजर ज़रूर इस्तेमाल करें, रिकमेंडेड बाय जोजो 18। तो अभी जो है हम लोग लोकेशन में पहुंच चुके हैं, और इस वक्त मैं और मोहसिन जो है हम लोग एनवलप्स में डाल रहे हैं नोट्स को, नोटों को के नोट्स को, जो भी आपको समझ आता है लफ्ज़ आप वो समझ सकते हैं,
और फिर हम जाएंगे इनको अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने। और जो ये एक्टिविटी है ये हो रही है एक्ट ऑफ काइंडनेस के अंडर, जिनको लीड कर रही हैं मैम जैनब, मिस जैनब या मैम जैनब। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि हम काम किन किन के साथ कर रहे हैं। बेसिकली हम सबके साथ काम करते हैं। ऑब्वियसली सियालकोट में माशाल्लाह जितनी भी फेमस ऑर्गेनाइजेशन हैं या जितनी भी डिफरेंट कम्युनिटीज हैं उन सब में ही हमने काम किया। नहीं वो तो बात है, वही मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ हम लोग लियोज भी हैं, हम लोग साथ वो जो है इनकी सुकून के साथ भी काम कर रहे हैं, एक्ट ऑफ काइंडनेस भी कर रहे हैं, उसके बाद लाइंस के साथ भी साथ हम ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं, खाने भी खा रहे हैं और सिक्स फिंगर भी चला रहे हैं। मैं नहीं चला रहा, ये चला रहा सिक्स फिंगर, एवं मैंने बदलाव करेगा फ्री दे में। Do sanitize your hands after counting money or touching anything which is dirty. तो ये मुस्लिम भाई ने भी बैग से और भी निकाले हैं एनवलप्स जिन पर ये लिखा हुआ है कि जी ईद मुबारक, और बैक साइड पर जो है वो जो एजेंसी है या एनजीओ आप जिसे कहते हैं वो है एक्ट्स ऑफ काइंडनेस पाकिस्तान, और इनको आप इन फॉलोइंग चीज़ों पे इन यूज़र नेम्स पे फॉलो कर सकते हैं। तो अब हमारा सामान पैक हो चुका है मुस्लिम भाई, जी चलिए अंदर चलो। तो अभी ये है कि हम लोग अंदर आ चुके हैं और मोहसिन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने लगा है द मनी इन टू द ट्रांसजेंडर्स। अभी हम इसको थोड़ा सा कवर करेंगे और फिर आगे जो है वो करते हैं प्रोसेस जो भी करना। तो अभी भी काफ़ी सारे एनवलप्स रहते हैं मोहसिन भाई, और आई थिंक ख़त्म हो गए हैं शायद, काफ़ी ज़्यादा नीचे भी हैं, काफ़ी नीचे भी हैं इधर जगह, साथ में कोविड का भी ज़रा ध्यान रखते हैं ना, एक जगह पे ज़्यादा नहीं उसको कर रहे। Finally guys, we have done that ED distribution thing among the transgenders. और I guess कितने bags हम लोग कर पाए हैं? Sorry, bags मेरे कल के ना उस दिन bags चल रहे हैं। जो है 133 या 134 जो है ना। In total हमारे पास थे। और few of them अभी remaining हैं, और उन्होंने बोला कि वो कल दोबारा हैं, कुछ आ नहीं सके basically। ट्रैफिक का मसला था या क्या मसला था, कुछ डिफरेंट डिफरेंट एरिया से आ रहा था ना, तो उन्होंने बोला कि आप कल दोबारा आ जाइएगा। तो ऑलमोस्ट 75-80 तो हमने आज कर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बाकी रिमेनिंग ऑलमोस्ट हमारे पास 50 पैकेट्स पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह वो कल हम आएंगे और दोबारा हम उनको मेरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स होता है मार्केट का, और सबसे स्पेशल मैं थैंक यू करना चाहूँगा हम तमाम डोनर्स का अगेन जो हम पे ट्रस्ट करते हैं और मनी को डोनेट करते हैं, अपने ज़कात को और अपनी जो डोनेशन है बेसिकली वो हमें देते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, इंशाल्लाह मज़ीद आगे भी हम इसी तरह ही कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह। ज़ाहिर बात है जब आप एक अच्छा काम कर रहे हो तो फिर अगले बंदे को पता होता है इन्होंने काम अच्छा करना है, एंड देन दे डू सपोर्ट यू। तो ये है कि आप अच्छा काम करते रहें तो आपको सपोर्ट जो है वो मिलती रहेगी। तो अभी मुझे नहीं पता अभी आगे क्या प्रोसेस होगा, अभी हम एक जो इनके जो वो इनकी टीम को लीड कर रही हैं मैम जो है उनकी शायद घर जा रहे हैं, उनको कुछ चीज़ें वगैरह पकड़ानी है जी। बेसिकली वो कुछ राशन बैग्स थे वो हमारी जो दूसरी एरिया में ड्राइव हुई थी उसमें से बच के हुए थे, तो हमारा दिन था कि इस एरिया में उनके पास कुछ फैमिलीज थी, आइडेंटिफाई फैमिलीज थी, तो उनका था कि वो इधर आ जाए बैग तो इधर से वो लोग ले जाएंगे। सही। तो बस रमज़ान माशाल्लाह हमारा इन्हीं चीज़ों के अंदर ही गुजरता है, और अल्लाह पाक इसी तरह ही रखे सारी चीज़ें। सो डू वी हैव एनी अदर प्लान्स फॉर टुडे नाउ के बस अब छुट्टी? नहीं बेसिकली आज हमारी छुट्टी है। ठीक है, तारी बाहर नहीं होनी वो तो हमने करनी भी नहीं है क्योंकि कोविड है और आगे ईद भी है। बिल्कुल, हम नहीं चाहते कि हमारी ईद से पहले पहले जो है वो कोई हो जाए, ईद के बाद जो मर्जी हो जाए, लेकिन इससे पहले ईद ही ना। पता नहीं कल कौन सा बंदा था, मेरा एक दोस्त है
तो पता नहीं क्या नाम, नाम से याद नहीं, कल वो करते कि इफ्तारी प्लान करते हैं, कोई डिस्क जा के इफ्तारी करते हैं, पता नहीं कौन था वो। बस एक हमारा दोस्त था, विडोलिक नाम है उसका, विडोलिक नाम, और उसमें वो बेसिकली प्लान कर रहा था डिस्क का इफ्तारी करते हैं, क्योंकि हमारे दूसरे दोस्त भी कुछ एक दोस्त हमारे डिस्क से है, लेकिन हमारे जो ग्रुप का एक मेम्बर था वो लाहौर जा रहा था तो उसको हमने बोला कि भाई कोई मसला नहीं, हम आपको कर देते हैं फैसिलिटेट। हाँ, लेकिन जो एक और मेंबर था वो बस थोड़ा सा कह लें कि लेज़ी हुआ हुआ है, और लेज़ीनेस की वजह से और कुछ केयर की वजह से कि जी कोविड है तो नहीं जाना। सामने देखा ना, ये पीछे कोविड है, ये सारे लोग समोसे लेने खड़े हुए हैं, और किसी को कोई मुझे नहीं पता नज़र आया कि नहीं आया, पर झुंड में जो है ना वो खड़े हुए हैं कि जी समोसे लेने हैं। तो माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला है, तो हाँ मतलब इनको किसी ने गलती से कह दिया कि मोहसिन भाई आप पतले हो गए हैं या क्या चक्कर है, ऐसा नहीं पता, मोहसिन भाई भूखे बैठे थे ना, रोजा रख के उन्होंने भूख लगी दी है, तो वैसी हालत अंदर घुसी हुई है इनका, पेट शेट जो है। बहरहाल ये है कि आज का जो हमारा व्लॉग है वो यहाँ तक ही है, तो फिलहाल तो एक्टिविटी नहीं है, बस यही है, तो बस यही है, यही है। तो हर बार की तरह अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।